मम्मी की बोले भाई ऐसे लोगों से संभल के रहे, इंस्टाग्राम पे जो एड्स आते हैं उनसे थोड़ा सा अवेयर रहे। तो भाई भाई हो गया मेरे साथ स्कैम, और स्कैम भी कितने का? एल्बेश और आशिका का बिग बॉस ओटीटी के इस घर में अब हार्दिक स्वागत। और एल्बेश भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, जिताना है, हाँ सिस्टम पारना है, ठीक है जी। हेलो जी गाइज, गुड मॉर्निंग है जी सबको, गुड मॉर्निंग है, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश व्लॉग के साथ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट हो रहा है पूरे 10:30 बजे। अभी फिलहाल देख लो, जस्ट कहीं काम से गया हुआ था तो घर पहुँचाऊँ, और घर आते देखो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे घर वालों का आज कहीं जाने का प्लान नहीं था, मतलब मम्मी का तो कहीं जाने का सीन नहीं था, और मम्मी चली गई मेरी नाना जी और होके, और यहाँ आसपास नाना जी नहीं, मेरे नाना जी वैसे वैशाली रहते हैं, लेकिन मम्मी चली गई शाहपुरा। शाहपुरा जानते होंगे आप लोग, शाहपुरा, शाहपुरा वो वाला नहीं जो एल्विश यादव आता ना, अपने एल्विश यादव भाई आते ना शाहपुरा हाउस, वो तो यही है पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन मम्मी गई प्रॉपर शाहपुरा। क्या करूँगा पूरे दिन ये समझ नहीं आ रहा, मम्मी के साथ आज मैंने प्रैंक सोच रखा था, इतना शानदार वाला प्रैंक था, मम्मी ऐसे हो जाती कि बोले ये क्या कर दिया, पर कोई ना अब देखते हैं। अब घर पे अकेला सुना सुना रहूँगा क्योंकि बाहर में जा नहीं सकता घर से सुना छोड़ के, हमारे घर पे कोई ना कोई रहना ही चाहिए ना। हालचाल बढ़िया सभी के? भाई देखो 3-4 दिन से अपने थोड़े से ब्लॉग में ऐसे चल रहा है थोड़ा सा, मुझे पता है, तो थोड़ा सा यार आप लोग एडजस्ट करो, क्योंकि अभी मेरा एक छोटा सा काम चल रहा है, काम ऐसे नहीं कि मैं मजदूरी पे जा रहा हूँ, एक छोटा सा काम है, वो एक बार कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद थोड़ा ट्रैवल पे भी निकल लेंगे या फिर आसपास में जो भी अच्छा है वो दिखाएंगे आपको, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल का भी चैनल है और अपना ट्रैवलिंग का भी आप सभी को पता है। लेकिन मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ यार, क्योंकि देख लो 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेक्टिक से डेज निकल रहे, अभी भी लैपटॉप लेके इसीलिए बैठा हूँ कि थोड़ा काम हो जाए। अब ये मत सोचना कि आयुष भाई बिजनेसमैन बन गए क्या, बिजनेसमैन बनने के लिए पहले जेब में बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। कि व्लॉग अभी इसलिए स्टार्ट करा था, आप सभी को पता है मम्मी है नहीं घर पे, तो अब बाहर अकेला जा नहीं सकता, अकेला ऐसे कि मतलब घर अकेला छोड़ के। ओके जी, हमारे ऐसा ही है यार, फ्लैट्स वगैरह में थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। और मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, मैंने अभी 3 या 4 महीने पहले एक वॉच मंगाई थी इंस्टाग्राम से, तो भाई मेरे साथ हो गया स्कैम। आप सभी ने अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में सुना होगा, स्कैम चल रहा है, तो काफ़ी लोगों के साथ गाड़ियों का स्कैम होता है, कईयों के साथ पैसों का होता है, कईयों के साथ घड़ी का होता है भाई, वॉच, हैंड वॉच, सोच लो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या स्कैम, पता है क्या हुआ है, मैंने एक 3500 मतलब 3500 की एक वॉच मंगाई थी, एंड्रॉयड वॉच मतलब स्मार्ट वॉच, तो इतनी सही वॉच दिखा रखी थी ना भाई इंस्टाग्राम पे, वैसे इंस्टाग्राम पे चल रहा है आजकल ये स्कैम, ऐड आता है फिर अपन उस पर क्लिक करते तो वो सीधा व्हाट्सएप पे खुल जाता है, होता है आप लोगों के साथ, तो भाई सेम वैसा ही हुआ था, तो मैंने उसको तो स्किप कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे जब आया ना मेरे पास वापस वैसा ही, तो मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था, वैसे किया तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी था, लेकिन जैसे वो घर पे आया तो डिलीवरी बॉय ने साफ मना कर दिया भाई कि आपका ये हो नहीं सकता, कैश ऑन डिलीवरी मतलब ओपन वाली डिलीवरी नहीं है, ओपन करके नहीं देख सकते आप। तो भाई भाई हो गया मेरे साथ स्कैम, और स्कैम भी कितने का? 3500 रुपये का भाई, इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इतना बड़ा, सोचो 3500 भाई, मिडिल क्लास वालों के लिए 3500 भी बड़ी बात होती है, पर कोई ना, अब उस पर कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो साइट ही पता नहीं कहाँ गई, ऑर्डर कर दिया उसके बाद गायब। वो देखा है आपने अपने बावड़ा बाजार, जानते हो बाजार, जानते हो बाजार लगता है मंडे बाजार, ट्यूसडे बाजार, वैसे वो छोटे छोटे बच्चों की वॉच मिलती है ना 50 रुपये की 60 रुपये की, वैसी वो चाहिए, वो भी रेड कलर की, मंगाई मैंने ब्लैक कलर की थी। कोई ना यार, ऊपर वाला सब देख रहा है, जो भी कर रहा है ना फ्रॉड स्कैम सब देख रहा है, कई लोगों को विश्वास होता है, कई लोगों को नहीं होता, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो गलत करेगा यहाँ किया ही मिलेगा। ओके जी, और ज्ञान नहीं है आज का, ज्ञान तो आगे दूंगा, ज्ञान देने लग गया मैं आजकल, 3-4 ब्लॉग में देख रहे कि डेली आयुष भाई ज्ञान दे रहे, तो बोर मत होना प्लीज़ यार गाइस, मुझे पता है 3-4 दिन से थोड़ा रिसेंटली अपने जो ब्लॉग्स आ रहे हैं उसमें आप लोग बोर हो जाते होंगे, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा सोच रहा हूँ कि यार कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लेके आऊँ केदारनाथ की ट्रिप से, जब से आया हूँ ना घर पे तब से यही हालत हो रखी है, ना तो कहीं जाने का मन करता है, ना ये शोल्डर ठीक हो रहा है, एक दिन जिम जाके आया था, 3 दिन से छुट्टी पे हूँ। हेलो दे दे यार 50 रुपये दे दे, मोमोज खा ले यार, आधे आधे दे दे, आधे दे दे, वापस दे दूंगा नहीं दे रहे प्लीज़, हेलो कर दो, चलो हेलो कर दो, चलो 20 वाला दे दो, एक ये वाला एक ले लूँ मैं, क्या लेने आया हूँ आप, कितनी प्लेट हैं पूरी दुकान लेने आया ऐसे बोल रहा है भाई, वैसे किसी के किचन में घुसते नहीं है, लेकिन हमारे तो घर की बात है भैया की, इसलिए मैं किचन में जाके आ गया, तो खुद का खुद ही ऑर्डर अंदर जाके, तो भैया कुछ देखो
कोई टाइम पे गाना फेवरेट हुआ करता था। पेटीज मंगाई थी भैया ने तो पिज्जा बना दिया, देखो पेटीज का। हमारे लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं डेली। और मैं ये व्लॉग आज यहाँ पे इतना ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था। ओके जी गाइस, फाइनली देख लो घर आ चुका हूँ मेरे, और मेरे पापा भी आ चुके, लेकिन उनका फोन आ रहा है यार। पहले फोन होल्ड कर देते क्योंकि पापा भी नहाने गए हुए, शावर लेने गए हुए। पर आपको मैंने बताया था कि मेरे दिन में क्या बीती हुई थी मेरे साथ 3 महीने या 4 महीने पहले, जो स्कैम वाली। वो तो अभी मैं आपको डब्बा दिखाऊंगा, मतलब उसका पूरा बॉक्स दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्या करके उन्होंने मेरे को भिजवाया था, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरी मम्मी, आपको बताया था मेरे शाहपुरा गई हुई है, मेरे नाना जी और उनके नाना जी और रहते हैं मेरे शाहपुरा, तो उनके गई हुई है। मेरी मम्मी आज आने वाली नहीं है क्योंकि वहाँ से 6 बजे बाद कोई बस नहीं आती। मम्मी को आइडिया नहीं था इतना, और मम्मी कह रही है कि बोले भाई सुबह आएंगे, तो पापा इसी बात पर नाराज़ होकर ऐसे बोल रहे हैं कि आज मैं खाना खुद ही बनाऊंगा। अब ये नाराज़ होकर बोल रहे हैं, पापा को नया नया शौक है। वैसे मेरे पापा अच्छा खाना बनाते भाई, बहुत टेस्टी। मम्मी से अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा बनाते। मम्मी तो भाई, मेरी मम्मी तो वो है, अन्नपूर्णा बोलते हैं ना वो है। और मैं आपको जो बॉक्स की बात कर रहा था वो दिखाता हूँ पहले। हाँ तो गाइस देखो, ये बॉक्स है ना, आप लोग देख लो। वैसे तो मैंने इसको थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब कर दी है भाई। हंसना मत कोई भी कि बोले आयुष भाई इतना गंदा स्कैम हुआ है आपके साथ। एक बार वॉच का बॉक्स देख के आप लोग समझ गए होंगे, सीरीज 6 जानते हो ना एप्पल की, वो है। अब मेरे को याद भी नहीं है कि इसी में मैंने रखा हुआ है क्या, मैंने जस्ट खोला है बस ये। अबे खुलना, हाँ ले तो फिर देख रहे हो, ये टोए वॉच रो भाई, प्लास्टिक। देखो आ रही है आवाज, इसके बटन चेक कर लो। आई वॉच है भाई, आई वॉच स्कैम। इसमें टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे। इसकी पॉलीथीन हटाते हैं, इसको नहीं करते पहले। लेमिनेशन लगी हुई आई है भाई साहब, इतना गंदा भगवान किसी के साथ नहीं करे। भगवान तो क्या ही है, ऐसे लोग ही बर्बाद कर देते लोगों को। लेमिनेशन भी ये लो, अब देखना क्वालिटी चेक करना। अपना तो ऐसा ही है, यही पहनेंगे आज से। अब इसमें कराऊंगा फैशन ब्लॉगिंग। अगर आप लोग बोलोगे ना तो इसको भी पहन लूँगा मैं, क्योंकि स्कैम हुआ ना मेरे साथ, तो मैं यार अब क्या करूँ यार, किसी छोटे बच्चे को लेके आ जाऊँगा। मेरे को आज याद आया कि बोले भाई ऐसा टॉपिक है मेरे पास जिसमें लोगों को अवेयरनेस होगी कि बोले भाई ऐसे लोगों से संभल के रहे। इंस्टाग्राम पे जो एड्स आते हैं उनसे थोड़ा सा अवेयर रहे, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, तो भाई स्कैमर से थोड़ा अवेयर रहेगा ना। अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको अवेयर देने के लिए। तो ऐसा है, लाल कलर की घड़ी आई है जो कि मैं फ्री में भी ना पहनूँ, पर कोई ना, अब स्कैम होना भी जरूरी। लाइफ में पता चल जाता है ना कि बोले किस चीज़ पे क्या भरोसा करना है, हर भरोसे वाली चीज़ भरोसे वाली नहीं होती। और मैं आज घर पे इतनी बकवास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी है ना, मेरी माता जी ने बोल दिया कि घर से बाहर मत जाना, इसलिए घर ही घर में बकवास कर रहा हूँ। क्योंकि डेली ब्लॉग आते हैं अपने यार, अब आप सभी को कुछ तो बताना होता है, क्योंकि फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे ब्लॉग में। इसीलिए मैंने आज स्कैम की बात छेड़ दी थोड़ी सी, और अभी पापा ना के आ जाए। पापा का हुआ ना कि खाना पापा बना रहे, भाई चुपचाप या फिर थोड़ी सी क्लिप दिखा दूंगा कि मेरे पापा खाना बना रहे भाई देख लो गाड़ी चल गई मेरी पूरी 35,000 किलोमीटर, वो भी 5 साल में। इतने तो लोग महीने भर में चला देते हैं, और वाइड कैमरे में बिल्कुल दिख नहीं रहा। और अभी फिलहाल तो देख लो भाई जा रहा है खाना लेने बाहर से, क्योंकि मम्मी आ रही नहीं है, और मैं बैक कैमरा करके मेरी शक्ल इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे से फिर एक हाथ से गाड़ी चलती नहीं है स्कूटी। पापा को परेशान नहीं करना था भाई, इसलिए लेने जा रहा हूँ। गाइस आपको देखना है कितनी अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ ना। एक अंकल है काफ़ी एजेड है, लेकिन देखना वो सबको है ना जाते टाइम जय श्री राम या फिर राधे राधे बोलते हैं। देखना राधे राधे अंकल, देख लो भाई इधर से जितने लोग निकलते हैं ना वो सबको बोलते हैं, लेकिन हर कोई राधे राधे बोल के नहीं जाता उन्हें। पर भाई का तो ऐसा ही है, कई बार तो मैं रोक के उनसे बातचीत करके जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई ऐसे किसी से बात बात करना। ऐसा बेजड़ की रोटी बन रही देख लो अपनी, सही है। पापा को खुशी होगी, उनको पसंद है बेजड़ की रोटी। आपका फेवरेट खाना लाया हूँ, फेवरेट है देख 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 एक तो आपको बचा लिया आपका खाना बनाने की वजह, लो रख रहा हूँ, खा लो खा लो, अभी तो गरम गरम है भाई। मेरे पापा का फेवरेट है बेजड़ की रोटी और मिक्स सब्जी आती है ना मामा, मिक्स सब्जी आती है इसके अंदर, वो पापा की फेवरेट है। तो देख लो, हमारे घर से थोड़ा सा दूर ही था तो मैं लेके आ गया, वरना क्या बाहर की चीज़ें खाना फालतू, पनीर की सब्जी, ये सब्जी भाई बेजड़ की रोटी बढ़िया लगती है, मुझे भी बढ़िया लगती है। ओके जी, हमारे पापा को परेशान करने से बच लिया, हमारे पापा फालतू परेशान होते हैं मतलब, तो मैंने सोचा बाहर से लेके आ जाते हैं। लीजिए जी गाइस, फाइनली देख लो अपना खाना पीना हो चुका है, और इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार आज मेरे पास इतना कुछ कंटेंट भी नहीं था ना, कोई टॉपिक था, क्योंकि
मम्मी बोल के गई थी आज सुबह से बाहर निकलना नहीं है, इसलिए मैं कहीं गया नहीं। और आपको मैंने आज मेरे साथ जो स्कैम हुआ था उसके लिए बता दिया, तो गाइस थोड़ा सा अवेयर रहो क्योंकि ये स्कैमर्स वगैरह या फिर स्कैम जो भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा अवेयर रहो। और आप सभी को एक गुड न्यूज़ शायद मिल चुकी होगी कि अपने एल्विश भाई एल्विश यादव राव साहब फाइनली बिग बॉस में आ चुके हैं। एल्विश और आशिका का बिग बॉस ओटीटी के इस घर में अब हार्दिक स्वागत है। उनको बोलिया कि तुमने 27 दिन रह के क्या पाड़ लिया भाई, क्या पाड़ लिया, देख रहे हो। अब सोचो वो आ चुके हैं तो उसके बाद क्या क्या होने वाला है। और अब अपने ये देख लो 5-6 दिन तो भाई एल्विश भाई पे ही होने वाले हैं। ब्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। और एल्विश भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, चाहे कम ही लोग देखते हो मेरी वीडियो लेकिन जितने देखते हो उतने तो सपोर्ट करना भाई को, ठीक है, जिताना है, हाँ सिस्टम पाड़ना है, ठीक है जी, बाय बाय।